बिहार में इफ्तार पार्टी का दौर जारी है। पटना के हज भवन में जेडीयू की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम तेजस्वी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी, पूर्व सीएम जीतनराम मांझी, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह शामिल हुए। सीएम ने इफ्तार पार्टी के बाद नालंदा सासाराम हिंसा को लेकर बयान दिया और उन्होंने कहा कि अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने हिंसा पीड़ित परिवारों को सहायता देने के भी निर्देश दिए। शासन के लोग अपना काम कर रहे हैं सब तरह से, और जहाँ भी नुकसान पहुंचाया गया है उसके लिए भी कुछ किया जाएगा। वो एक अलग चीज है, यहाँ पर जो कुछ भी दोनों जगहों पर नुकसान कर दिया है ना, तो उन सब चीज़ों को भी देखा जा रहा है और लोगों के हित में जो करना है उसको भी किया जाएगा। ये सब बात हो गई, अभी तो वही ना बताएंगे जैसे आप कह रहे हैं, हम भी देख रहे हैं उनका। लोगों की राय अपनी अपनी होती है, आज भी हम अभी न्यूज में देखे हैं तो कौन क्या बोलते हैं, उनकी अपनी इच्छा है। विपक्षी एकता मजबूत है और रहेगा, बिहार में भी और देश में भी। अब देखिए भाजपा का अंतिम घड़ी हो गई है, इसमें कहीं कोई तुमत नहीं है, पहने में ये नहीं है। और बात भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट किसके अधीन में है ये भी देखा जाना चाहिए, और जहां तक समझते हैं कि हमारे नेताओं की मांग है वो जायज है। सबको शुभकामना बधाई देने आदमी आता है, हम लोग भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबको बधाई शुभकामना देते हैं। महागठबंधन अटूट है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, और 2024 के चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। शरद पवार जी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं, सेकुलर जमात के वो व्यक्ति हैं, कभी भी बीजेपी में नहीं जा सकते। अच्छा, बीजेपी को भी निमंत्रण दिया गया था लेकिन बीजेपी के तो नेता न तो कल मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। अरे भाई, आप सबको मालूम है बीजेपी यहाँ आएगा तो और बखेड़ा ही ना खड़ा होने वाला है, काहे के लिए बीजेपी नहीं आता है, अच्छा है। सब लोग बीजेपी जहाँ नहीं है वहाँ सुख शांति सब है।